एक पत्नी ने अपने और अपने प्रेमी के बीच आ रहे पति को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पति के शव को रेत में दबा दिया और पुलिस में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। सिवनी के उगली थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पति के शव को पीपरताल ढोडी क्षेत्र में रेत में गाड़ भी दिया। घटना के एक सप्ताह बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव को रेत से बाहर निकाला। इस मामले में पुलिस ने पत्नी समेत दो अन्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उगली थाना प्रभारी एसएस भारद्वाज ने बताया कि बीते 19 मार्च को पिपरिया निवासी मिश्रीबाई देशमुख ने अपने पति शिव प्रसाद देशमुख की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शिव प्रसाद की तलाश शुरू की। जांच में संदेह होने पर पुलिस ने मृतक की पत्नी मिश्रीबाई व नाई टोल निवासी निरंजन सिंह और अनंत कुमार पंचेश्वर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में तीनों ने शिव प्रसाद की हत्या कर शव को वन विभाग निगम क्षेत्र के पीपरताल ढोडी क्षेत्र में रेत के नीचे दबाने की बात कबूल की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।